बाइक रैली काढण्याचं निमित्त म्हणजे जो आपला इंटरनॅशनल वुमन्स डे आहे म्हणजे जागतिक महिला दिन, त्या दिनाच्या निमित्त आम्ही ही बाइक रैली सुरुवात केलेली आहे। आता 5वं वर्ष आहे ही आम्ही जेव्हा सुरू केली तेव्हा फक्त आमच्याबरोबर 70 महिला होत्या आणि याचं उद्दिष्ट एकच आहे की हा दिवस जो आजपर्यंत कुणाला माहिती नसतो, सर्वसामान्य लोकांना माहिती नसतो, पण तो आज स्त्रीचा आपला दिवस जो 8 मार्च आहे तो आपला दिवस आपल्याला माहिती करून द्यावा आणि त्यानिमित्त सर्व जाती धर्म समाजाची लोक आमच्यामध्ये एकत्र येतात आणि त्यांना एकत्र आणण्याचाच उद्देश आणि त्यातून आम्हाला काहीतरी समाज प्रबोधन करता येतं। समाज प्रबोधन म्हणजे आम्ही हेल्थ विषयी किंवा आजकाल जे आपल्या देशामध्ये चाललेलं आहे वाईट रूढीज आहे त्याबद्दल आम्ही जागरूक करतो आणि ह्या उद्देशाने आम्ही ही रॅली 5 वर्षापूर्वी सुरू केली आणि आता तिचे जवळजवळ आमच्याकडे 70च्या आता आमच्याकडे 2000 स्त्रिया आम्ही एकत्र झालेलो आहोत, म्हणजे सगळे वाढता आहेत आणि याच्यावरून आपल्याला एक लक्षात येतं असं की समाजामध्ये जागरूकता निर्माण होते आहे की काहीतरी आपला दिवस असतो आणि आपण तो सेलिब्रेट केला पाहिजे। द्रोणा फाउंडेशन सुमंग वुमेन्स बाइक रैली एंड वी आर हियर रिप्रेजेंटिंग अनिल सर फाइन ईयर साइंस एंड कॉमर्स विद अ ग्रुप ऑफ 132 पीपल। 132 लोगों को हम यहाँ पे लेके आए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर एनी इंडिविजुअल, खासकर फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, बिकॉज वेन अ वुमन इज एजुकेटेड शी एजुकेट्स हर फैमिली, हर नेशन, हर कम्युनिटी, शी फीड्स हर सेल्फ, शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी कैन मेक द मोस्ट ऑफ वॉट इज अवेलेबल टू हर। दैट्स वाई वी शुड एजुकेट वुमेन एंड टेल हर टू मूव अहेड एंड प्रोवाइड हर प्लेटफॉर्म्स टू गो अहेड विथ लाइफ। ख्वातीन जो है हमारे मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और ये अगर एक ख्वातीन पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तो उसमें सलाहियत, मालूमात और एतमाद का ख़जाना होती है। वो तो उसको वो कभी भी कोई भी मौके पर और किसी भी जगह किसी भी तरीके से मर्द का बोझ में इश्तराक कर सकती है और हम सब आज इसके लिए ही जमा हुए हैं कि हम यहाँ पर जो है ख्वातीन की हौसला अफजाई करें। लड़कियों की तालीम बहुत अहम है और इसी सिलसिले में जो है हम लोग यहाँ पर ख़ास ये एक पैगाम देना चाहते हैं पूरे यहाँ पर भी वंडी वालों को और जहाँ जहाँ भी हमारा मैसेज पहुँच सकता है कि अगर लड़कियाँ जो है तालीम हासिल करेंगी तो वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं। सर्व महिलांना मी एकच संदेश देऊ इच्छिते की महिला या सक्षम आहेत, प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आघाडी गाठलेली आहे, त्यांनी कुठेही मागे नाही राहिलं पाहिजे, महिलांनीच महिलांचं दुश्मन नाही व्हायला पाहिजे। बेटी बचाव, बेटी पढाव, मुलींना शिकवा, त्यांना चांगलं सक्षम बनवा, त्यांच्या पायावर उभं करा। जुन्या ज्या आपल्या काही रीतिरिवाज आहेत त्या पाळायला पाहिजे, पण आपण आता मुलींना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संधी मिळते आहे आणि त्या संधीचा मुलीने फायदा घेतला पाहिजे, कुठेही महिला मागे नाही राहिल्या पाहिजे। मुलींनी सुद्धा आर्मी जॉईन केलेली आहे यापूर्वी देखील आणि आतासुद्धा त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये यावं, नेव्हीत जावं, आर्मीमध्ये जावं आणि देशाची रक्षा करावी आणि देशाची सेवा करावी। जो ड्रेस हमने मिलिट्री थीम रखा है, हमारा जैन सोशल संगीनी ग्रुप है और अभी अभी जो हमारे देश में सैनिकों के लिए जो हम लोगों के मन में जो भावना है देशभक्ति की, हम सैनिक तो नहीं बन सकते हैं हम लेडीज, बट कम से कम उनका ये ड्रेस पहन के हम उस भावना को तो फील कर सकते हैं कि अगर हम भी वहाँ बॉर्डर पर होते तो हमारा भी वो सौभाग्य होता और उन जो सैनिकों ने शहीद अपनी जो अपने कुर्बानी दी है वो हम आज यहाँ जो 40 सैनिक हमारे 45 सैनिक शहीद हुए हैं तो हम वो ही पूरा थीम बने हैं जो आज ऊपर हमको देख रहे हैं और शायद वो ही हम लोग यहाँ उनके ड्रेस में नीचे आ।
आ गए हैं। आम्ही हा मिलिट्रीचा ड्रेस यासाठी घातला आहे की आपल्या बॉर्डरवरती जे जवान आपल्यासाठी देशासाठी लढतात त्यांना रिप्रेझेंट करण्यासाठी, त्यांना सलामी देण्यासाठी आम्ही हा ड्रेस घातला आहे। आम्हाला आमच्या जवानाचा, लष्कराचा अभिमान आहे, ते आम्ही प्रूव्ह करण्यासाठी आम्ही हा ड्रेस घातलेला आहे। रैली फिर से निकली है 10th मार्च को और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में महिलाएं यहाँ जमा हो रही हैं। बहुत से अलग अलग मंडल यहाँ आते हैं, जैसे मेरे साथ खड़े हैं परिवर्तन सखी वाले जो डायबिटीज़ फ्री करना चाहते हैं इंडिया को। तो सारी महिलाओं को बस एक ही उद्देश्य देना चाहती हूँ। परसों भी एक प्रोग्राम किया था मैंने आधी आबादी पूरा हक के नाम पर। आधी हमारी आबादी है इंडिया में और हमें पूरा हक लेना है। इसी हक के लिए हम सब मिलके आज लड़ रहे हैं और आप सभी से भी आशा है कि इसी हक के लिए आप सब लड़ने के लिए अपने अपने घर से बाहर निकलेंगे और देश के लिए कुछ काम करेंगे।